आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने फ़ोन पर टाइमर का यूज़ कर सकते हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक बटन लेते हैं और यहाँ पर हम दो बटन लेंगे। पहले बटन में हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक स्टॉप का टाइमर लूँगा, आई मीन स्टॉप का बटन, ताकि हम अपने टाइमर को स्टॉप कर सकें। तो यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स ताकि उसके अंदर हम उस टाइमर की वैल्यू को दिखा सकें। और यहाँ पर हमें एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए हम टाइमर की वैल्यूज को टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करा सकें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टूल की, जिसका नाम है टाइमर। हमें बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी फिलहाल हमें इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें लगाया स्टार्ट बटन पर हमने डबल क्लिक किया। अब इसकी पूरी मैच किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइमर है स्टार्ट। अब हमें जरूरी चीज़ स्टॉप नहीं करनी है, यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया और हम यहाँ पर लिखेंगे टाइमर है स्टॉप। अब हमें टाइमर नाम का जो हमने टूल बनाया है इस टूल के अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी। सो इस पर डबल क्लिक करते हैं चलिए। और फिर हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि है एन नाम से एस इंटीजर। क्या हम करना चाहते हैं कि हम जैसे ही स्टार्ट पर स्टार्ट नाम का जो हमारा बटन है जैसे हम इस पर क्लिक करें टाइमर स्टार्ट हो जाए और उसकी वैल्यू हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाई दे और स्टॉप पर क्लिक करके उसकी वैल्यू रीसेट हो जाए और वो स्टॉप हो जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बस एंड करना, हमें इनिशियली जीरो देना है और यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स 1.x में शुरू में तो जीरो रखना है और फिर एन के अंदर हमें असाइन कराते रहना है एन प्लस एक्चुअली वन। आप इस एक्सप्रेशन को सही से समझ पा रहे होंगे आई होप। इसका मतलब है एन के अंदर एन प्लस वन असाइन करा दो, यानी कि जो भी वैल्यू होगी एन की उसके अंदर वन असाइन होगा और वापस से वो जो भी एन की वैल्यू होगी उसमें वन प्लस होगा और असाइन हो जाएगा फिर से एन के अंदर। अब यहाँ पर हमें जो एन की वैल्यू है वो बस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करना है, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट में असाइन करना होगा बड़े फाइन। यहाँ पर चीज़ को एक्जीक्यूट के लिए होता है कि हमारा टाइमर सही से काम कर रहा है। जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमारा टाइमर स्टॉप हो चुका है, लेकिन हमने टाइम को रीसेट नहीं किया है। हम इसके लिए भी हम इसके लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए हम इसकी वैल्यूज को रीसेट करने के लिए भी प्रोग्राम बनाते हैं। हमें यहाँ पर आना है और फिर यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर एक बटन लेता हूँ जिस पर मैं लिखूँगा रीसेट ताकि हम हमारे टाइमर की वैल्यूज को रीसेट करा सकें। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करा दो, टेक्स्ट बॉक्स 1.x के अंदर असाइन करा दो जीरो। और चूंकि एन की वैल्यूज भी बढ़ चुकी होगी तो हमें एन के अंदर वापस जीरो असाइन कराना होगा। होगा
चैनल को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि और भी व्यूज़ इस पर आए। और वेल, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।